स्वागत है आप सबका डिवाइन डीसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, नया साल शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2022 222 यानी कि 6 नंबर, यानी कि विनस का नंबर, यानी कि शुक्र का नंबर, यानी कि खुशियों का नंबर, प्यार का नंबर, पार्टनरशिप का नंबर, डिवाइन फेमिनाइन का नंबर, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैसा, मटेरियलिस्टिक खुशियाँ बहुत सारे लोगों के जीवन में आ सकती हैं। लेकिन हम उस एस्पेक्ट में ना जाके हमें इन लास्ट दिनों में क्या करना है। देखिए, हमेशा आपको रात को सोते टाइम ग्रैटिट्यूड में रहना, मेडिटेशन करना, अच्छी एनर्जी में सोने के लिए, रिलैक्स होकर सोने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस एनर्जी के साथ हम अपना दिन ख़त्म करते हैं, उसी एनर्जी से हमारा जो अगला दिन है, नई शुरुआत होने के चांसेस जो है वो 60-65% बढ़ जाते हैं। मृत्यु के समय भी बोला जाता है कि इंसान मरने के टाइम पे पीसफुल होना चाहिए, उनका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से उनका नेक्स्ट बर्थ शुरू होने वाला है। तो हम सबका भी एक नया जन्म हो 2022 के पहले दिन, और वो खुशियों भरा हो, बहुत शांति से भरा हो, बहुत सुकून से भरा हो, और अपने दिल को, अपने जीवन को, अपने दिन को, अपने हर पल को खुशी से, शांति से, सुकून से भरने का एक ही तरीका है कि आप आज ही के आज एक लिस्ट बनाइए। मिनिमम 10 चीज़ें ऐसी लिखिए जिसके लिए आप दिल से धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का, चाहे वो अभी इस वीडियो को सुन पाना हो, किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को ढूंढ पाना हो, जीवन में किसी अच्छे दोस्त का मिल जाना हो, प्रमोशन मिलना हो, बिजनेस अच्छा चल पाना हो, एक नया आइडिया आना हो, किसी दोस्त से एक खूबसूरत बात होना हो, बहुत अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेशन होना हो, एक अच्छी सी शादी में एक बहुत प्यारा सा मील खा पाना हो, जीवन में कोई भी अच्छी चीज़ हुई है जिसने आपके दिल को, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को छुआ, आपको बहुत सारी खुशी दी, उन सारे की सारी और मिनिमम 10 चीज़ों को लिख दीजिए और उन्हीं को पूरे दिन याद कर करके खुशियाँ मनाइए कि ये साल बहुत अच्छा रहा। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं हुई हो, आपकी शादी हुई हो, आपका बच्चा हुआ हो, आपका बिजनेस ऐसा चल पड़ा हो, आपने किसी हेल्थ को रिकवर किया हो, सारी की सारी चीज़ों को लिख दीजिए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कोई मैटर नहीं करता, सब कुछ लिख दीजिए और इन सबको सेलिब्रेट कीजिए। ये सब आपने मैनिफेस्ट किया है, सब कुछ आपने अचीव किया है। एक और चीज़, अगर कुछ पुरानी यादें हैं जो बहुत हॉन्ट करती है, बहुत दुख देती है, तो पेन और पेपर लेके 5 मिनट निकाल के उसको लिख दीजिए और उसको गैस पे जला दीजिए। यूनिवर्स को बोलिए, मैं इसको सरेंडर करती हूँ, मैं आपको देती हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए, नए साल में आपका शुक्रिया, मुझे मेरा लेसन मिल गया, मुझे मेरा विस्डम मिल गया, मैं बहुत 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 खुश हूँ। और ग्रैटिट्यूड वाला एक्सरसाइज तो करना ही है, अपनी सारी की सारी नेमतें, सारी की सारी खुशियाँ, सारा का सारा ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिख दीजिए, और ये जो लास्ट 3 दिन है इसको सबसे ज़्यादा खुशियाँ भरा बना दीजिए। मतलब अपना दिल जो है वो परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड से भर दीजिए, आपका दिल जो है वो भर जाए खुशी से, आप इतने खुश हो जाए। अपनी सारी की सारी चीज़ों को याद कीजिए, क्योंकि साल जैसा ख़त्म होगा वैसा ही नया साल शुरू होगा, और हम नया साल बहुत खुशियों भरा शुरू करना चाहते हैं, है ना? हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हम सबका जीवन एक खूबसूरत मोड़ ले, और वो मोड़ हम खुद देंगे, जिसके लिए हम खुद के ऊपर काम करेंगे, सारी की सारी अच्छी यादों को अपने साथ समेट के ले जाएंगे, ठीक है? ये सुहाना सफ़र ख़त्म होगा और एक और खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत होगी, ठीक है? मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।